आज मैं पुदीना की चटनी बनाने जा रही हूँ। पुदीना पेट को ठंडक पहुँचाता है और पुदीना से कई तरह के चटनी, शरबत और भी बहुत कुछ बनाए जाते हैं। मैंने पुदीना को पहले से धो के साफ़ करके रख लिया था। इसे अब एक मिक्सी के जार में डालेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और इमली मैंने पहले से फुला के रखा था और बीज को निकाल दिया था, उसे डाल देंगे और इसे पीस देंगे। मैंने चटनी को पीस लिया है। देखिए कितने अच्छे दिख भी रहे हैं और स्वादिष्ट भी है। पुदीना की चटनी बनाना बहुत ही आसान है। ये आसानी से बन भी जाते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। पुदीना और इमली की चटनी बनकर के तैयार है। इसे आप समोसा, पकौड़ी और भी बहुत कुछ के साथ खा सकते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसे बने हैं इसे आप कमेंट करके बता सकते हैं।